वो बर्ड आता है, ये सब मुझे पसंद है, बहुत ज्यादा बर्ड आता है, बहुत मजा आती है। बर्ड आता है वो पैरोट आता है 3,000 से 4,000, वो हमारे गुजरात में वो सुगरी बोलता है, पीड़ी सकी बोलता है, वो 2,000 आती है। पची काबर आती है, कबूतर आता है, बुलबुल आता है, गल्लेड़ा बोलता है, ये वो आता है, वो 4-5 जात का वो बर्ड आता है। सबसे ज्यादा उनकी टाइमिंग पसंद आई है कि जो सुबह हम 5 बजे उठते हैं, 5:30 बजे तक फ्रेश हो जाते हैं, 5:30 बजे के बाद सब लोग एक साथ में, हमारा पूरा फैमिली। For the last 17 years, Harshad Bhai and his family have been feeding thousands of birds every single day. वो मैंने उसमें ये डुंडा रखता हूँ, तो वो पैरोट के सब बर्ड आता है ना, वो बर्ड है ना, वो सोमासा की जो बारिश की ऋतु है ना, तो उसको खाने का बहुत कम मिलता है, इसलिए इस के हम भूखे रहते हैं तो कितना भूख लगती है, तो उसको ही भी भूख लगती है, तो सब हम मिलके उसको खिलाते हैं। बारिश वधारे आती है तो 1700-1800 का डुंडा खर्चा आता है, वो बारिश कम होती है तो 1000 के 800 का आता है, और 3 महीना में 1.5 लाख का ये डुंडा खिला देता है। अने उसका जो खर्चा होता है ना, वो दूसरे के पास लेता नहीं, वो मेरा पैसा का खिलाता हूँ। हमारे सब परिवार वाले, कोई ऐसा नहीं है कि वड़िल ने हमको ये बोला और हम करते हैं, ऐसा नहीं है, सब जो करते हैं वो दिल से करते हैं। जब ये पैरट्स और कोई भी बर्ड्स आता है और खाना खाते हैं और वो हमें देख, हम उनको देखते हैं। मैं जे आसपास हमारा रेसिडेंट ही आसपास से 2,000-3,000 बर्ड को मैं देखता हूँ, तो उसको सामने बैठा हूँ, मुझे मजा आती है, उसका खाना खिलाता हूँ, अने कुदरती रीते मुझे आनंद आता है।